नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के 65वें जन्मदिन के अवसर पर बसपा के नगर सचिव तारकेश्वर उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में आजमगढ़ नगर के महिला हॉस्पिटल में फल का वितरण किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में बसपा के जिला सचिव अमरनाथ गौतम ने बताया कि बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कई बार मुख्यमंत्री भी रही, आज उनके 65वें जन्मदिन के अवसर पर बहन जी के निर्देशानुसार जो हमारा जन्मदिन है गरीबों मजलूमों में जन कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाए, इसी कड़ी में आज महिला हॉस्पिटल में फल का वितरण किया जा रहा है। इस मौके विधानसभा उपाध्यक्ष डीपी सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। अपना परिचय देते हुए आपके कार्यक्रम को, मैं अमरनाथ गौतम, जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़, और साथ में हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय डीपी सिंह जी, बड़े भाई तारकेश्वर गुड्डू जी जो नगर सचिव हैं, आज बहन जी, माननीय बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और चार चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं इतने बड़े सूबे की, आज उनका 65वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार कि हमारा जो जन्मदिवस है गरीबों मजलूमों असहायों के लिए जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाए, इसलिए आज हम सारी पूरी टीम के साथ बहुजन समाज पार्टी के हम सभी कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण आज मिलकर के आज महिला हॉस्पिटल में जो हमारे मरीज हैं जो असहाय गरीब हैं उनको हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम आज हमने किया है और हमको बहुत खुशी है कि माननीय बहन जी के जन्मदिवस पे हम लोग यह परोपकार का कार्य हम लोगों ने किया है। बहुत बहुत बधाई और सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।